नमस्कार। ड्यूओडेनल अल्सर को छोटी आंत में घाव उत्पन्न होना व छोटी आंत में जख्म होना के नाम से जाना जाता है। कई कारणवश जब हमारी आमाशय से नीचे छोटी आंत में संक्रमित घाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे ड्यूओडेनल अल्सर के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको इसके लक्षण बताया तो सबसे पहले लक्षण में क्या होता है कि कलेजे में जलन उत्पन्न होती है, खट्टी डकारे आती है, पेट में दर्द होता है और कई बार रोगी का जी मिचलाता है या जी मिचलाने के साथ साथ उल्टी तक आ जाती है और कई रोगियों को इतनी ज़्यादा तेज़ मात्रा में दर्द होता है कि वो असहनीय होता है, बड़े परेशान हो जाते हैं और कई रोगियों को उल्टी के साथ खून भी आने लग जाता है। जैसे जैसे बीमारी पुराने होने लग जाती है वैसे उल्टी के साथ खून आने लग जाता है या मल काले रंग का आने लग जाता है। अब मैं इसके आपको कारण बताए तो ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि आमाशय में और ड्यूओडेनम जिसे हम गृहिणी कहते हैं उसमें पाचक तरल पदार्थ में असंतुलन हो जाने के कारण ये उनको छोटी आंत में संक्रमित घाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम ड्यूओडेनल अल्सर कहते हैं। कुछ लोगों में क्या देखा जाता है कि ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं या एंटी इन्फ्लामेटरी वाली मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसे कहते हैं सूजन ख़त्म करने वाली दवाइयाँ, या स्टीरोइड का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण भी छोटी आंत में अल्सर की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों में देखा जाता है, ज़्यादातर ये पुरुषों में देखा जाता है कि तंबाकू ज़्यादा चबाते हैं या बीड़ी सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनकी छोटी आंतड़ियों में अल्सर बन जाते हैं। कुछ लोगों में देखा जाता है कि बाजार का ज़्यादा तला फला खाते हैं, ख़ास तौर पे चटपटी चीज़ें उनको बहुत पसंद होती है, तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो उसके कारण भी देखा जाता है कि छोटी आंत में अल्सर की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को देखा जाता है कि टेंशन डिप्रेशन ज़्यादा रहते हैं, नींद ठीक ढंग से नहीं आती, जिसकी वजह से डाइजेशन पावर ठीक काम नहीं करता, उसके कारण भी छोटी आंत में अल्सर की शिकायत हो जाती है। कई लोगों में देखा जाता है कि उनकी पाचन प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं करती, उनका लीवर और छोटी आंतड़ियों में ठीक ढंग से खाने का पाचन नहीं होता, गर्मी गैस तेजाब ज़्यादा बनता है और लंबे समय तक ये रहती है दिक्कत, जिसके कारण छोटी आंत में अल्सर की शिकायत हो जाती है। अब मैं आपको उपचार बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले घरेलू उपचार बता रहा हूँ। 20 ग्राम आपने पत्ता गोभी लेनी है, 20 ग्राम आपने गाजर लेना है, 20 ग्राम आपने खीरा लेना है। एक मिक्सी में डाल के अच्छे से उसका ग्राइंड करके उसका जूस तैयार करना है। छान के उस जूस को आपने सुबह दोपहर शाम को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है। कई लोगों को ऐसे नहीं पी पाते तो कोई बात नहीं, आप स्वाद अनुसार उसमें शहद या देसी खांड मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना है। आधे घंटे पहले लेने से आप देखेंगे कि आपका छोटी आंत में अल्सर की शिकायत धीरे धीरे बिल्कुल छूमंतर हो गया, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाओगे आप। बहुत बार परीक्षित है और बहुत जनों को बताया गया है। इसमें तो वैसे भी कहते हैं कि सलाद और फल फ्रूट खाना खाने से पहले लेने से छोटी आंतड़ियों का अल्सर बिल्कुल बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले आपने इसबगोल का छिलका लेना है, जिसे सप्त इसबगोल के नाम से भी जानते हैं, ये 100 ग्राम लेना है। सूखी बेलगिरी आती है वो भी आपने 100 ग्राम लेनी है, मुलेठी आती है वो भी आपने 100 ग्राम लेनी है। ये आपको मिलेगी कहाँ से, जहाँ आप रहते हैं आसपास में देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं उनको हम पंसारी कहते हैं, देसी दवाइयाँ देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं उनसे आप बताएंगे तो ये आसानी से मिल जाएगी। इन तीनों को ला के अलग अलग पीस के पाउडर बनाना है। जब तीनों का पाउडर बन जाए उस पाउडर को मिक्स करके एक जगह एक चम्मच सुबह एक चम्मच दोपहर को एक चम्मच रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करना है और इसको लगातार इस्तेमाल करने से आपका ड्यूओडेनल अल्सर की शिकायत बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको रेडीमेड औषधि बता रहा हूँ। रेडीमेड औषधि उनको बताई जाती है जिनके पास समय का अभाव होता है, वो बनाने का झंझट नहीं रखते, तो उनको बता रहा हूँ कि बेल का शरबत आप किसी भी कंपनी का लें, जहाँ आप रहते हैं वहीं आसपास में जो देसी दवाइयाँ रखते हैं उनके पास आपको आसानी से मिल जाएगा। 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने इस्तेमाल करना है। इससे आपका ड्यूओडेनल अल्सर बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जो लोग सिरप नहीं पीना चाहते उनके लिए पाउडर बता देता हूँ, मुलेठी आदि पाउडर आता है वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये भी आपको देसी दवाइयों वाली दुकान पर मिलेगी। और इसमें होता क्या क्या है ये भी बता देता हूँ। मुलेठी होता है, गोंद कतीरा होता है, बेलगिरी होता है
और 37 इसबगोल होता है, चारों को बराबर मात्रा में मिला के पीस के बनाया गया होता है। इस पाउडर को सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से डियोडनल अल्सर की शिकायत आपकी बिल्कुल जड़ से चली जाएगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको रेडीमेड औषधि बताई है, इनमें से 2 उपचार बताए हैं, एक मैंने आपको लिक्विड बताया जिसमें बेल शरबत बोला है, एक आपको पाउडर बताया है, तो इनमें से कोई एक उपचार करना है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। इसी तरह मैं आपको हर वीडियो में 3 उपचार बताता हूँ, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक औषधि और रेडीमेड औषधि। इन 3 उपचार में से केवल आपने 1 उपचार करना है और अपनी बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। अब मैं आपको परहेज बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो लोग तंबाकू चबाते हैं, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए खास तौर पे मना है। दर्दनाशक दवाइयाँ, स्टीरॉयड वाली दवाइयाँ, सूजन उतारने वाली दवाइयाँ आपको इसमें मना कर दी जाएंगी। इसका तेज मिर्च मसाला, खास तौर पर बाजारू तलाफला मना कर दिया जाएगा। ज़्यादा चाय कॉफ़ी या ज़्यादा चॉकलेट का इस्तेमाल इसमें मना कर दिया जाएगा। तेज नमक का इस्तेमाल इसमें खास तौर पर मना होता है। ज़्यादा टेंशन लेना मना होता है। फ्रिज का खाना इसमें खाना या ठंडा पानी पीना इसमें खास तौर पे मना हो जाता है। इसमें घी, मक्खन, मलाई, पनीर का इस्तेमाल मना कर देते हैं, मीट अंडा का इस्तेमाल मना कर देते हैं। जी जितना हो सके हल्का खाना इस्तेमाल कीजिए, इसमें फायदेमंद होता है। अब जो आपके लिए फायदेमंद है वो बताता हूँ। अंकुरित चने या अंकुरित मूंग की दाल खाना आपके लिए खाली पेट बहुत फायदेमंद है। खाना खाने से आधा घंटा पहले खाली पेट सलाद खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको फल खाना इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सुबह खाली पेट योग करना फायदेमंद है। सुबह खाली पेट पैदल चलना आपके लिए फायदेमंद है। गुनगुना पानी इसमें फ़ायदेमंद है। हरी साग सब्जियां ज़्यादा फायदेमंद है। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मौसम अनुसार जो फल होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। खास तौर पे फल में अंगूर आपके लिए फ़ायदेमंद है। अनार इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। केला इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। नारियल पानी इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। नारियल के तेल में सब्जी बना के खाना इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैतून का तेल भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दलिया खाना इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।